मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नितिका मैम। आज हम पढ़ेंगे हिंदी परिवेश। हिंदी परिवेश का पाठ 15, थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन कौन थे आपको पता है ना, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन आविष्कार किया था। चलिए हिंदी परिवेश की बुक ओपन कीजिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 118, पेज नंबर 118। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना, इतनी अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना इसको। पाठ 15, थॉमस अल्वा एडिसन। आज शुभम का जन्मदिन है। आज वह सुबह से ही बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। शुभम ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने नाना नानी खड़े थे। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया। उपहार देखकर शुभम की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकिल दी थी। वह चहकते हुए बोला, नाना जी, अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूंगा। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। अचानक बिजली चली गई, घर में अंधेरा हो गया, सभी लोग परेशान हो गए। पापा ने जनरेटर चलाया, फिर उजाला हुआ। नाना जी बोले, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो जाते हैं, उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? नहीं नाना जी, आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए ना, बच्चे जिद करते हुए बोले। नाना जी ने हंसकर कहा, ठीक है तो सुनो बच्चों, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर दिया। एडिसन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाईं, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिला लिया, तब उसके पास किताबें नहीं थीं, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। उसने हार नहीं मानी। जब एडिसन मात्र 12 वर्ष का था, तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया। असफलता उसे रोक न सकी। वहां भी उसने स्टेशन के बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला और स्वयं का एक छापा खाना खोल लिया। रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय शोरगुल सुनना पड़ता था, जिसके कारण उसके कानों में खराबी आ गई। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर प्रयोग करता रहा। परंतु यहां भी एक के बाद एक बाधाओं और मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा, क्योंकि प्रयोगशाला के रसायनों के साथ प्रयोग करते समय यहां भी आग लग गई। परंतु फिर भी एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लगन और मेहनत थी। वह कष्टों से घबराता नहीं था। शुभम ने उत्साह पूर्वक पूछा, नाना जी, एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए? नाना जी ने बताया, बेटा, फोनोग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि सभी खोजों का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। अक्षिता बोली, नाना जी, आज इस संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, बिजली के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर पाते हैं, क्या वह सब एडिसन की ही देन है? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, नाना जी ने कहा। नाना जी फिर बोले, बच्चों, एडिसन अनेक मुश्किलों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बना। वह जिस कार्य में लग जाता था, उसे पूरा करके ही छोड़ता था। तभी नानी जी वहां आई और बोली, बिजली आ गई है, अब बातें ही करते रहोगे या खाओगे पियोगे भी,
चलो केक काटने का समय हो गया है। आप सभी ने ये पाठ सुना, आपको अच्छा लगा ना? इसमें शुभम के नाना जी ने उसको थॉमस अल्वा एडिशन के सभी आविष्कारों के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में बताया कि उन्होंने कितनी मुश्किल से पढ़ाई की और फिर इतने बड़े वैज्ञानिक बने। तो हमें ज़िंदगी में कभी परेशानियों से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, तभी तो हम कुछ अच्छा कुछ बड़ा काम कर पाएंगे ना। ये अच्छी थी, अभी आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये थॉमस अल्वा एडिशन है और ये उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। तो निकालिए पेज नंबर 121, नए शब्द पढ़ते हैं। प्रकाश, प्रकाश आया था ना शब्द, तो प्रकाश मतलब रोशनी, आविष्कार मतलब खोज, अचंभित मतलब हैरान, विश्व का अर्थ क्या होगा? संसार, उपयोगी का काम में आने वाला, बाल्यकाल मतलब बचपन, जो बचपन होता है ना चाइल्डहुड उसको बाल्यकाल भी बोलते हैं, कठिनाइयों मतलब मुश्किलों, फिर मात्र केवल, बाधाओं रुकावटें, कष्टों तकलीफों, कष्ट होता है ना पेन होता है, हमको तकलीफ होती है उसको कष्ट भी बोलते हैं, उत्साहपूर्वक जोश के साथ, खोजो मतलब तलाश, विभिन्न तरह तरह के उपकरणों मतलब सामान, जो उपकरण क्या होते हैं जो साइंस लैब में होते हैं ना, सामान होता है जो उसको उपकरण कहते हैं। अभी अभ्यास करते हैं, अभ्यास में क्या है, श्रुत लेख, ध्यान से सुनना इसको, जन्मदिन, वैज्ञानिक, आविष्कार, बाल्यकाल, आशीर्वाद, निश्चय, प्रयोगशाला, छापाखाना, छापाखाना क्या होता है, प्रिंटिंग होती है ना जहाँ पर, उसको छापाखाना बोलते हैं, कष्टों, फोनोग्राफ, प्रोजेक्टर, संपर्क, विभिन्न उपकरणों, मुश्किलों, ये हो गए हमारे श्रुतलेख, मतलब हार्ड वर्ड्स जो होते हैं ना वो। आपने ये पाठ पढ़ा था, आपको बहुत मज़ा आया ना, अभी इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ध्यान से सुना है ना आपने सभी ने, उनके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहले शुभम क्यों प्रसन्न था, क्यों था प्रश्न, क्योंकि आज शुभम का जन्मदिन था इसलिए वह प्रसन्न था। आपका भी बर्थडे होता है तो आप लोग कितना खुश होते हो, हम लोग कितना खुश होते हैं बर्थडे में, केक कटती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, इसलिए शुभम भी खुश था और उसके नाना नानी आ रहे थे इसलिए तो सबसे ज़्यादा खुश था। फिर थॉमस अल्वा एडिसन कौन था, कौन थे थॉमस अल्वा एडिसन, बताया था ना नाना जी ने, शुभम के नाना जी ने, थॉमस अल्वा एडिसन एक वैज्ञानिक था। एडिसन ने कितने वर्ष की उम्र में अखबार बेचने का काम शुरू किया था, एडिसन ने 12 वर्ष, एडिसन ने 12 वर्ष की उम्र में अखबार बेचने का काम शुरू किया था, ये आंसर हो गया। फिर एडिसन के कानों में खराबी क्यों आ गई थी, एडिसन के कानों में खराबी आ गई थी ना रेलवे स्टेशन पर बहुत देर तक रहने के कारण, एडिसन को रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण हर समय शोरगुल सुनना पड़ता था, हमारे कानों में सारा दिन रात आवाज़ें आती रहेंगी, शोरगुल सुनते रहेंगे तो कानों में दर्द होने लगेंगे ना, कान खराब हो जाएंगे, ऐसे ही एडिसन के साथ हुआ था कि सारा दिन वो स्टेशन पर रहता था तो जिसके कारण उसको शोरगुल सुनना पड़ता था और उससे उसके कानों में खराबी आ गई। एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, एडिसन को स्कूल से क्यों निकाला था, स्कूल की फीस ना भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया, ये हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अभी हम लिखित प्रश्न उत्तर देखते हैं, उसमें क्या है, पहला नाना जी का उपहार देखकर शुभम ने क्या कहा, नाना जी गिफ्ट लाए थे ना शुभम के लिए, नाना जी का उपहार देखकर शुभम बोला कि अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा। अभी नेक्स्ट पेज पर आते हैं, एडिसन को अपने बाल्यकाल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बाल्यकाल मतलब बचपन में जब वो छोटा था तभी से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिंदगी में, कहीं उसके कानों में प्रॉब्लम आ गई, कहीं उसने फीस नहीं भर पाई तो उसको स्कूल से निकलना पड़ा, अखबार भेजने पड़े, कितनी परेशानियाँ हुई थी लाइफ में। तो बाल्यकाल मतलब बचपन में क्या क्या परेशानियाँ कठिनाइयाँ हुई थी, चलो देखते हैं। एडिसन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, उसके पास किताबें नहीं थी, स्कूल की फीस ना भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया, 12 वर्ष की आयु में उसे रेलगाड़ी में अखबार और खाने पीने का सामान बेचा। फिर नेक्स्ट है एडिसन में कौन कौन से गुण थे जिसके कारण वे एक महान वैज्ञानिक बने, एडिसन में क्या गुण थे, एडिसन में लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय जैसे गुणों के कारण एडिसन महान वैज्ञानिक बने,
कौन कौन से गुण थे? लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय जैसे गुणों के कारण एडिसन एक महान वैज्ञानिक बने। लगन क्या होती है? हम किसी भी काम में लगे रहें जब तक उसको करते रहेंगे जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होना है। मेहनत तो आपको पता है ना, हार्ड वर्क। और दृढ़ निश्चय मतलब एक कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे करना ही है, आई हैव टू डू। ये गुण सभी में होने चाहिए। फिर एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए थे? एडिसन ने बिजली का बल्ब, फोनोग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि आविष्कार किए। बिजली का बल्ब तो सभी को पता है ना, जो हम लाइट चलाते हैं। फोनोग्राफ भी देखा होगा आपने, मूवी प्रोजेक्टर जिसमें मूवी देखते हैं, प्रोजेक्टर होता है, बैटरी पता है। फिर पावर स्टेशन मतलब लाइट आती है ना, उसका एक पावर स्टेशन होता है कितना बड़ा, वो ये सारे आविष्कार किसने किए? एडिसन ने। फिर है एडिसन को रेलवे स्टेशन से क्यों हटना पड़ा? एडिसन को रेलवे स्टेशन से हटना पड़ा था ना बहुत दिन प्रयोग करने के बाद। प्रयोगशाला के रसायनों के साथ प्रयोग करते समय रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। एक बार बताया ना, वो अपना प्रयोग मतलब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो केमिकल्स जो होते हैं उनसे आग लग गई रेलवे स्टेशन पर, इसीलिए एडिसन को रेलवे स्टेशन से हटना पड़ा। फिर है नंबर टू, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला क्या है, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक कौन था? ऑफकोर्स थॉमस अल्वा एडिसन था ना, इसकी हमने भी कहानी पढ़ी। फिर नेक्स्ट है, एडिसन की माँ ने उसे कहाँ पढ़ाने का निश्चय किया? दूसरे विद्यालय में, घर में या गुरुकुल में? कहाँ पढ़ाया था? घर में पढ़ाया था ना। फिर एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कम बोलना, घूमना फिरना, लगन और मेहनत? लगन और मेहनत थी ना। फिर है नेक्स्ट पेज, भाषा की बात। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। मेहनती, आविष्कार, वैज्ञानिक, प्रयोगशाला और छापा खाना, ये हमको वर्ड्स दिए। हमको देखना है अनेक शब्दों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नई नई खोज करने वाला, जो नई नई खोज करता है उसे क्या कहते हैं? आविष्कारक कहते हैं ना, जो नई नई आविष्कार करता है, आविष्कारक। फिर जहाँ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग कहाँ, एक्सपेरिमेंट्स कहाँ किए जाते हैं? प्रयोगशाला में, लैब में। विज्ञान से संबंधित, रिलेटेड टू साइंस क्या होता है? वैज्ञानिक, जो विज्ञान से संबंधित हो वो वैज्ञानिक होता है। जहाँ छपाई होती है, सॉरी, मेहनत करने वाला, जो मेहनत करता है उसको मेहनती बोलते हैं। जहाँ छपाई होती है उसको छापा खाना बोलते हैं। प्रिंटिंग जहाँ होती है उसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं ना, तो हिंदी में छापा खाना बोलते हैं। र के विभिन्न रूपों से तीन तीन शब्द बनाइए। नंबर टू में क्या है, र शब्द दिया है। रा का देखो, एक नीचे से लगाते हैं, ऊपर से भी रा लगाते हैं और ऐसे टू छोटी छोटी लाइन खींचकर भी रा बनाते हैं, एक तो रा बनता है। तो एक शब्द दिया है, रसायन, प्रकाश, संपर्क, क्रम। तो इनमें अंतर क्या है? रसायन तो नॉर्मल रा प्रोनाउंस करेंगे, प्रकाश में क्या, उस शब्द के साथ प्रोनाउंस करेंगे जिसके नीचे लगा हुआ है। संपर्क में क्या है? संपर्क लास्ट, जिस शब्द के ऊपर लगा है उस शब्द के, सॉरी, जिस अक्षर के ऊपर लगा है उस अक्षर के पहले बोलेंगे उसको, रा को, संपर्क। ऐसा है तो रा पहले आया, का बाद में आया, का के ऊपर रा लगाएंगे। और प्रकाश में क्या था? उस अक्षर के साथ लगाएंगे जिस अक्षर के नीचे रा लगता है। फिर ड्रम में क्या है? ड्रम, इसमें नीचे डा में लगा हुआ है, ये रा प्रकाश, ये रा और ये रा एक ही जैसा है, बट कुछ शब्दों में जैसे टा है, डा है, इसमें रा ऐसे दो डंडी जैसे लगाते हैं। तो ये हो गया। अभी हम नए शब्द बनाते हैं, और हार, रात, दरवाजा, ये रा का हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रकाश वाले, रा का कैसे बनाएंगे? प्रिया, प्रयोग, फोनोग्राफ, ग्रा, गा में है ना। फिर संपर्क वाले रा का कैसे बनाएंगे? संपर्क है एक। फिर हमने लिखा आशीर्वाद, फिर स्पर्श, फिर कार्य। फिर ड्रम है ये वाला, इसका कैसे बनाएंगे? ड्रम तो एक है, बाकी हम ट्रक, मेट्रो, राष्ट्र, मैंने बताया था ना, टा, डा और भी एक दो अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें हम ये वाला रा लगाते हैं जो ड्रम में लगा हुआ है। अभी नंबर थ्री पर आते हैं, सही वर्तनी के सामने सही का निशान लगाइए। सही वर्तनी पता है ना, कौन सा सही शब्द है उस पर टिक करना है। तो इसमें क में क्या है? आशीर्वाद, पहला वाला सही है। ख में कौन सा है? दूसरा वाला, आविष्कार, आविष्कार और आविष्कार, तो तीनों बोलने में तो एक जैसे लेकिन लिखने में गलत है, तो दूसरा वाला जो है ना आविष्कार वो सही है। ग में विभिन्न, विभिन्न और विभिन्न, तो दूसरा वाला इसमें भी विभिन्न सही है। फिर घ में वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है प्रोनंस में,
इसमें थर्ड वाला वैज्ञानिक सही है। फिर अचंभित, 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 अचंभित ऐसे करके लिखा है ना, तो पहला वाला अचंभित सही है, उस पर हमें टिक करना है। नंबर फोर, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निर्देशानुसार मतलब निर्देश, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है वैसे उत्तर देना है। तो क में क्या है, हम गेंद से खेल रहे हैं, नहीं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसमें हम गेंद से खेल रहे हैं, इसमें हमें नहीं ऐड करना है, तो हम गेंद से नहीं खेल रहे हैं, ये इसमें एक करके एग्जाम्पल बताया गया है ना। अभी नेक्स्ट ख में क्या है, क्या का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो क्या हम गेंद से खेल रहे हैं। फिर है क्या और नहीं का वाक्य में प्रयोग कीजिए, अब दोनों का ही प्रयोग करना है वाक्य में, तो क्या हम गेंद से नहीं खेल रहे हैं, बन गया ना वाक्य प्रयोग। फिर नंबर फाइव पर आते हैं। नंबर फाइव में क्या, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द कौन कौन सा है, अंधेरा, अंधेरा का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची मतलब सिमिलर वर्ड, अंधकार, बिजली का दामिनी, दुनिया का संसार, आग का अग्नि, फिर किताब का पुस्तक, मुसीबत का विपत्ति, ये हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर नंबर सिक्स, पढ़िए, समझिए और नए शब्द बनाइए, इनको पढ़ना है, समझना है, एक नया शब्द बनाना है। तो सफल में आ लगा देंगे तो असफल है, प्रसन्न में आ लगाएंगे तो अप्रसन्न, ज्ञात में आ लगाएंगे तो अज्ञात, ऐसे ही हार में उल उप लगाएंगे तो उपहार, नया शब्द बन गया। योग में उप लगाएंगे तो उपयोग, और कार में लगाएंगे तो उपकार, नए शब्द बन गए ना। फिर शेष में वी लगाया तो विशेष, फिर विनम्र, फिर चार में लगाया तो विचार, फिर देश में प्र लगाएंगे तो प्रदेश, धान में लगाएंगे, धान मतलब गेहूं होता है ना, हम लोग खाते हैं अन्न, वो तो उसमें प्र लगा देंगे तो प्रधान, एक नया शब्द बन जाएगा। चार तो पता है ना, फोर, उसमें अगर प्र लगाएंगे तो प्रचार, ठीक है, ये समझ में आ गया, अच्छा था ना। अभी मूलपरक प्रश्न देखते हैं। जीवन में सफल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है, जीवन में सफल होने के लिए एडिशन कैसे सफल हुए थे, उन्हें दृढ़ विश्वास, लगन, मेहनत, ये सब चीज़ें जरूरी है ना सफल होने के लिए, किसी काम को करने का कॉन्फिडेंस और कोशिश हमें हमेशा करती रहनी चाहिए, तभी तो हम सफल हो पाएंगे किसी काम में, हार नहीं माननी चाहिए। एडिशन ने स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी वे इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच गए, कैसे पहुंचे थे, क्योंकि उनकी माँ ने उनको घर पर ही पढ़ाया था, और जो भी वो पढ़ाते थे वो बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत और लगन से पढ़ते थे, उन्हें कहीं भी कुछ भी सीखने को नया मिलता था वो हमेशा सीखते थे। फिर सोच समझ की बात है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कुछ करने की बात पर। इसमें नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम ढूंढकर लिखिए। तो पहले ऊपर देखो ब्रैकेट में नेम्स दिए हैं ना, राइट बंधु, मार्टिन कूपर, स्टीफेंसन, जेएल वेयर्ड, ग्राहम बेल और चार्ल्स बैबेज, ये राइटर्स हैं और ये उनके इन्वेंशंस दिए गए हैं, हमको इससे मैच करना है। तो एरोप्लेन किसने बनाया था, राइट बंधु ने। फिर कंप्यूटर किसने बनाया, ये तो सबको पता है, चार्ल्स बैबेज। फिर इंजन किसने बनाया था, स्टीफेंसन ने। और रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं वो किसने बनाया था, जेम्स वॉट ने। तो इसमें इंजन दिखाया गया है ना जिससे चलती है गाड़ी, तो वो स्टीफेंसन ने बनाया था। फिर मोबाइल किसने बनाया, मार्टिन कूपर। फिर टेलीविजन है जो टीवी, वो किसने बनाया था, जेएल बेयर्ड ने। और टेलीफोन किसने बनाया था, ग्राहम बेल ने। तो ये हमको इसके साथ साथ लिखने हैं और ये पार्ट कंप्लीट करना है। ये वाला पार्ट हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है ना, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसके साथ नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तब तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स और नए शब्द नोटबुक में लिखने हैं, एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, और एक बार ये पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा पार्ट है, इसको ज़रूर पढ़ना। और पढ़ने के बाद इसमें देखना कि एडिशन ने अपनी लाइफ में कितनी परेशानियों का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा और वो उन्होंने सक्सेस प्राप्त की।